अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान बशीर और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से आप SEO टैग्स को सर्च वगैरह कर सकते हैं। मसलन आपकी कोई पोस्ट है उससे रिलेटेड आप कोई SEO टैग्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, तो इनको किस तरह से सर्च करेंगे आप। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप वीडियो अपनी ओपन करें। मसलन जिस तरह से मैंने ये ओपन की है, उसके साथ ही आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लें। इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग पर जाएं, आप इस तरह से ओपन कर ले या दूसरी तरह से वो आपकी मर्जी है। मसलन ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर सर्चेस ऑफ फेसबुक, हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी और उसके बाद गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर टाइप करके देखते हैं। यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सेव पेस्ट करके इंटर प्रेस करूंगा। जब हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, जो भी कोई ऑप्शन वगैरह होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह ये देखिए, इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह भी यहाँ ऑलरेडी हमने इसको इस तरह से सर्च करने के बाद यहाँ पर ये देखें फेसबुक सर्च हिस्ट्री, इस तरह से हम इसमें से टैग्स वगैरह को अलग करेंगे। मसलन मैंने इसमें से इसको कंट्रोल प्लस सी करूंगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूंगा। अब हमें इसमें से चाहिए थी फेसबुक सर्च हिस्ट्री, इस पर मैंने आगे कॉमे का निशान लगाया। इस तरह से अब हम नेक्स्ट जाएंगे, इस तरह से ये भी सर्च कर लेते हैं, क्लियर योर सर्च बार, कंट्रोल सी भी करके कमांड लगा देंगे। इस तरह से नेक्स्ट भी देखते रहेंगे, लीड माय ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह से लीड योर फेसबुक सर्च, इसको भी उठा लेंगे और उसके बाद कुमाज लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हम ये देख लेते हैं सर्च हिस्ट्री, कुमाज लगाते जाएंगे। कुमाज का ये फायदा होता है कि वो अलहदा हो जाती है दूसरे से। इस तरह से डिलीट माय सर्चेस, डिलीट माय सर्च, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह से रिमूव ए सर्च, इसी तरह से फेसबुक सर्च हिस्ट्री, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तरह से आ रहा है अरेज, इसको भी हम पहले अरेज को कॉपी कर लेते हैं, स्पेस देके उसको लिख लेते हैं फेसबुक सर्च हिस्ट्री।
इस तरह से इसके टैग बना लेते हैं। इस तरह से डिलीट योर फेसबुक, इसको भी हम सर्च कर ले कॉपी कर लेते हैं। उसको भी कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं सर्च करूँ आपने इस तरह से सर्च करके उसको कॉपी करते जाना और आगे पेस्ट करते जाना है। इसी तरह से हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं और कोई फेसबुक सर्च हिस्ट्री। फेसबुक सर्चेस, इसको मैंने यहाँ पर सर्च करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। शायद हमारे वीडियो के रिलेटेड के मिल जाए हमें यहाँ पर। वो यार डिलीट योर फेसबुक सर्च हिस्ट्री वगैरह। इस तरह से हम उसका जो टाइटल हमने किया था कॉपी उसको दोबारा करते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल प्लस वी इसको पेस्ट कर देंगे। आप किसी की भी दूसरे की वीडियोस वगैरह का की एड्स वगैरह को कॉपी मत करें क्योंकि इससे कॉपीराइट आ जाएगा और आप ज्यादा लंबे अरसे तक फेसबुक पर और यूट्यूब पर काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वीडियोस पर क्लिक करें। अभी ये देखिए वीडियोस वगैरह आ गया। अब हम इनके टाइटल में से टैग्स वगैरह को उठाएंगे। किस तरह से उठाएंगे, मसलन ये देखे, ये देखे क्लियर और डिलीट। इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। इसी तरह से डिलीट सर्च हिस्ट्री, मेरे ख्याल में ये हमारा रेडी यूज कर सकते हैं। नहीं है वो डिलीट सर्च हिस्ट्री, हम इसको भी उठा लेते हैं। इसी तरह से ये सर्च हिस्ट्री ऑन फेसबुक, सॉरी ये इसके भी उठा लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर और देखते हैं जो हमने पहले नहीं की। इसी तरह से ये डिलीट फेसबुक सर्च इसको भी कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से आ गई है। काफी सारे टैग्स वगैरह आप इनको कंट्रोल प्लस की मदद से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको टैग में जाकर पेस्ट कर देंगे। इसका ये फायदा होगा ये टैग्स वगैरह इस तरह से निकालने का कि कोई भी आप इन टैग्स से रिलेटेड कोई भी सर्चेस वगैरह देगा तो आपकी वीडियो उसके सामने आ जाएगी। एसईओ टैग्स का यही फायदा होता है। मसलन कोई यहाँ पर सर्च करेगा फेसबुक सर्च हिस्ट्री, अगर आपके टैग्स में ये है तो आप उसको बासानी पिक, वो आपकी वीडियो को बासानी पिक कर सकेगा और यूट्यूब उसके सामने वीडियो कर देगा। उसके बाद आप सेव कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एसईओ टैग्स की मदद से एसईओ टाइटल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। यहीं से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल का आगाज करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एसईओ टाइटल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।